दोस्तों मुझसे कई बार लोगों ने प्रश्न किया है कि बुद्धिमान लोग असफल क्यों होते हैं। मैं इस बात से पूरी तरह तो सहमत नहीं हूं, पर कुछ हद तक सहमत हूं। आपने अक्सर देखा होगा जो लोग बहुत ही बुद्धिमान होते हैं, बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं, वो लोग जिंदगी में कई बार एक जगह पर आकर अटक जाते हैं, वो लोग जिंदगी में कई बार पीछे रह जाते हैं। इसका क्या है कारण, आज यही जानने का प्रयास करेंगे इस वीडियो से। क्योंकि हो सकता है आप भी बहुत ही बुद्धिमान हो, बहुत ही इंटेलिजेंट हो, आपकी सोच आपकी समझ औरों से कहीं ज्यादा हो, फिर भी आप जिंदगी में एक जगह अटक कर रह जाओ। तो क्या है इसका कारण और क्या है समाधान, जानेंगे इस वीडियो से। बहुत से लोग सोचते हैं श्रीमद् भगवत गीता के पहले अध्याय में हमें कुछ भी सीखने को नहीं मिलता, क्योंकि पहले अध्याय में तो अर्जुन केवल अपनी समस्याएं ही बताते हैं। नहीं जी, ऐसा नहीं है, और ये बात आप भी मानेंगे इस वीडियो के अंत तक। तो वीडियो शुरू करने से पहले धार्मिक होकर घंटी बजा दीजिए चैनल को सब्सक्राइब करके। इस बात को समझने का प्रयास करते हैं एक कहानी की मदद से। प्राचीन काल में एक बहुत ही क्रूर राजा था। वो दिल का जितना बुरा था उतना ही देखने में बदसूरत था। राजा के केवल नैन नक्श ही बुरे नहीं थे, बल्कि राजा की एक आंख नहीं थी और ना ही राजा का एक पांव था। राजा के मन में एक दिन विचार आया। राजा ने सोचा, जब मैं मर गया तो राज्य के लोग मुझे भूल जाएंगे, क्यों ना मैं अपना एक चित्र बनवाऊं। राजा ने अपने राज्य के और आसपास के जितने भी राज्य थे उनके बेहतरीन से बेहतरीन चित्रकारों को न्योता दिया। ये घोषणा कर दी गई कि जो भी राजा की सबसे सुंदर तस्वीर बनाएगा उसको सोने चांदी में तोल दिया जाएगा। इतना बड़ा इनाम दिया जाएगा कि चित्र बनाने वाले की आने वाली सभी पुश्तें बैठ कर खाएंगी। और साथ ही घोषणा कर दी गई, जो कोई भी राजा की सुंदर तस्वीर नहीं बना पाएगा उसको मौत के घाट उतार दिया जाएगा। ये घोषणा को सुनने के बाद सभा में पहुंचे सभी चित्रकारों के पांव के नीचे से जमीन खिसक गई। एक आंख वाले और एक पांव वाले राजा की सुंदर तस्वीर कैसे बन सकती थी? किसी भी चित्रकार की कलम ना उठ पाई चित्र बनाने के लिए। बड़े से बड़े चित्रकार ने चित्र बनाने से पहले ही हार मान ली। सबके मन में था जान गंवाने का जोखिम कौन उठाए। लेकिन एक छोटी सी उम्र के युवा चित्रकार ने सोचा, ये उसके लिए अच्छा मौका है। सभी बड़े बड़े चित्रकारों ने हार मान ली है, वो खुद कोशिश करेगा तो हो सकता है उसकी जीत हो जाए। उसने राजा की ओर एक नजर ध्यान से देखा और चित्र बनाने के लिए मान गया। उसने राजा को कहा, राजा उसके सामने ही खड़ा रहे और युवा चित्रकार ने चित्र बनाना शुरू किया। सभी चित्रकारों के मन में था, बेचारा छोटी सी उम्र में मारा जाएगा, पर इस युवा चित्रकार के हाथ थे कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। चित्र बनाते बनाते जब काफी समय बीत गया तो राजा ने कहा, तू जानता है ना, चित्र अच्छा ना बना तो कल सुबह तुझे मौत के घाट उतार दिया जाएगा। युवा चित्रकार मुस्कुराया और फिर चित्र बनाने लगा और कुछ घंटों बाद चित्र बन के सामने आया। सभी चित्रकारों ने दांतों तले उंगली दबा ली, मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे भगवान, इस क्रूर राजा के कहर से इस युवा चित्रकार को बचा लो। राजा ने चित्र की ओर देखा, राजा मुस्कुराया। अब चित्र को सारी जनता को दिखाया गया। युवा चित्रकार ने बड़ी ही होशियारी दिखाते हुए चित्र में राजा को शिकार करते दिखाया। चित्र में राजा शिकार कर रहा था जिसके कारण राजा की एक आंख बंद थी, और उस युवा चित्रकार ने राजा की एक टांग जो खराब थी चित्र में मोड़ दी, जिसके कारण चित्र बहुत ही खूबसूरत दिख रहा था। अब इस कहानी को गीता ज्ञान से समझिए। समाधान सबको पता था, चित्र बनाना। उसी तरह से अर्जुन भी जानते थे युद्ध करना ही समाधान है, पर अर्जुन तर्क दे रहे थे कि युद्ध ना करना ही सही है। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, भगवान मैं युद्ध नहीं कर सकता, अगर मैं हारा तो भी मैं हारा, अगर मैं जीता तो भी मैं हारा, मैं युद्ध क्यों करूं। उसी तरह कहानी में सभी चित्रकारों ने भी अपने मन को तर्क दिया कि जान बची रहे वही शुक्र है। सबसे बड़ी बात, ये सभी तर्क अपनी जगह सही भी लगते हैं। अर्जुन भी पहली नजर में सही लग रहे हैं और चित्रकार भी सही लग रहे हैं। ना तो अर्जुन ना ही सभी चित्रकार सही निर्णय ले पाए। दोनों ने कठिन निर्णय लेने से आनाकानी की। इतना ही नहीं, अर्जुन और चित्रकार दोनों ही बदलाव से डर रहे थे। दोनों के लिए बड़ी ही अजीब सी परिस्थिति थी। आप ध्यान से सोचिए, अर्जुन और सभी चित्रकार अपने अंदर की लड़ाई नहीं जीत पा रहे थे। महाभारत का युद्ध अर्जुन कभी जीत ही नहीं पाते। अगर श्री कृष्ण ने मार्गदर्शन करके अर्जुन के मन के अंदर चल रहे युद्ध पर विजय प्राप्त नहीं करवाई होती, सभी चित्रकार अपने अंदर के युद्ध से हार मानकर बैठ गए। उसी तरह हो सकता है एक व्यक्ति बहुत ही बुद्धिमान हो, पर वो अपने अंदर चल रहे युद्ध से
हार मान जाए, वो खुद को ही तर्क दे जो गलत है वो ही सही है। जिंदगी में आप कभी सफल नहीं हो सकते जब तक आप अपने दिल के अंदर चल रहे युद्ध से ना जीत पाओ। और श्री कृष्ण ने अर्जुन की काउंसलिंग करके मन में चल रहे युद्ध को शांत करवाया। और कहानी में युवा चित्रकार ने अपने अंदर झांक कर अपने अंदर चल रहे युद्ध को समझा और शांत किया। यही कारण है बहुत से बुद्धिमान लोग भी असफल रहते हैं, क्योंकि वो अपने अंदर चल रही लड़ाई पर विजय प्राप्त नहीं कर पाते। जब बुद्धिमान व्यक्ति की बुद्धि स्थिर होती है तो वो अपने अंदर चल रहे युद्ध पर विजय प्राप्त करके बाहर की दुनिया का युद्ध लड़ सकता है। बुद्धिमान होना अच्छा है और स्थिर बुद्धि होना जरूरी है। आज की वीडियो में बातें कुछ गहरी हैं, ना समझ आए तो एक बार फिर देखिए। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा।